बताना है जो ड्रोसीरा प्लांट है वो इंसेक्ट को कैच करता है किसकी हेल्प से ब्लैडर पिक्चर टेंटेकल्स स्क्रिटिंग साइनिंग लिक्विड अडेसिव डिस्क इसका आंसर है सी ओके <clears throat> ब्लैनोफोरा और ये बताना है किस तरह का पैरासाइट है तो ये टोटल रूट पैरासाइट है नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट प्लांट्स ऑफ वर्ड्स बिलोंग टू ये बताना है ये जिम्नोसपम्प में है मोनोकोट में है डाइकोट में है या फिर ट्री फ्रांस में है तो जो लॉन्गेस्ट प्लांट है वो जिम्नोसम के अंदर आते हैं ठीक है नेक्स्ट है smallest floating plant is, नाम बताना है स्मॉलेस्ट प्लांट का तो स्मोलेस्ट प्लांट वोल्फिया होता है ठीक है नेक्स्ट है विच ऑर फॉलोविंग इज इंसेक्टिवरस इंसेक्टिवरस बताना है कौन सा है Hydrilla, Drosira, Recinus, इसमें जो है, है वो ओके है चलते हैं डेड ऑर्गेनिज्म से, है, है? है, से जो अपना फूड रिसीव करते हैं तो मोनोड्रापा जो है वो है सेप्रोफाइट का एग्जांपल ठीक है ओके मेजोरिटी ऑफ ऑर्चिड्स आर ऑर्चिड्स वो प्लांट है जो दूसरे के ऊपर ग्रो करते हैं तो इसमें उनको क्या बोलते हैं एपिफाइट्स ठीक है मेजॉरिटी ऑफ ऑर्किड्स आर एपिफाइट्स एपिफाइट्स डिपेंड अपॉन अदर प्लांट देखो यही था ना एपिफाइट्स डिपेंड ऑन अदर प्लांट फॉर किस लिए वाटर के लिए या फिर वाटर और मिनरल दोनों के लिए स्पोर्ट के लिए या फिर आल टाइप ऑफ नरिशमेंट के लिए ये ओनली स्पोर्ट के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं ओके okay. नेक्स्ट पे चलते हैं बोटनिकल नेम ऑफ विनस फ्लाई ट्रैप इज

राइजोफोरा में होती है ट्राइपा में होती है वेंडा में या फिर एस्परगिलस में तो ये जो वेंडा है इसमें रूट कैसी होती है एपिफाइटिक क्लाइंबिंग रूट किस में होती है ये बताना है तो इसमें ऑप्शन है लोरेंथस करकुमा अमाडा रोल्स, पीपर बिटल. तो इसका ये आंसर है पीपर है सेकेंड टाइप्स की रूट पूछ रहा है किसके अंदर होती है रूट कौन सी पूछ रहा है सकिंग टाइप की तो ये मिसल है इसमें होती है सकिंग टाइप की रूट्स आर प्रोपोगेशन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है स्टेम से भी होता है रूट से भी होता है तो ये ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से बताना है कि रूट से किस में होता है तो जो स्वीट पोटैटो है उसमें होता है रूट से नोमेटोफोर्स अक्कर इन फैमिली नोमेटोफोर्स होते हैं पूछ रहा है कौन सी फैमिली में होते हैं ये होते हैं राइजोफोरेसी में ठीक है पैरासाइट एब्जॉर्व न्यूट्रेंट्स फ्राम होस्ट बाई ये पूछ रहा है कि पैरासिटिक जो प्लांट्स हैं वो एब्सॉर्ब करते हैं न्यूट्रेंट अपने होस्ट से किसके थ्रू हस्टोरिया के थ्रू क्लिनजिंग रूट्स के थ्रू फाइब्रस रूट्स के थ्रू विलामिन रूट्स के थ्रू तो इसका आंसर है हुस्टोरिया के थ्रू ठीक है ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है रूट इज ए प्रोलोगेशन ऑफ प्लूमल से प्रोलोंगेट होती है कोलियोपटाइल से रेडिकल से या प्रिबलम से तो इसका आंसर है रेडिकल ओके रूट इज डिस्टिंगविजिबल फ्रॉम स्टेम रूट स्टेम से कौन-कौन से तरीकों से अलग है ये बताना है हैविंग ए रूट कैप होता है रूट में रूट हेयरस भी होते हैं अबजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स ये भी सही है तो ये सारे ही सही हैं ये सारे रूट्स के कैरेक्टर्स हैं ठीक है तो डी सही हो जाएगा इसका इसमें और नेक्स्ट है रेडिस रेडिस में कौन सी रूट होती है नेपिफॉर्म होती है कॉनिकल होती है फ्यूजीफॉम होती है ट्यूबरस होती है तो रेडिस की जो सेप है जो रूट है वो फ्यूजीफॉम है ठीक है विच वन पोजिस ट्यूबरस रूट ट्यूबरस रूट किसमें है इम्पोर्टेंट है ये मिराबिला बिला शलापा। ये इसका सही आंसर है नेक्स्ट है रूट की सारी मोडिफिकेशन फूड को स्टोर करती है लेकिन कौन सी एक है जो नहीं करती है तो इसमें वाइट स्पॉन्जी फ्लोटिंग रूट अक्कर जूसिया तो ये है इसका आंसर जूसिया प्रोलोगेशन ऑफ रेडिकल गिव राइस टू इजी है प्राइमरी रूट कहाँ से बनती है ट्यूबरस होती है, है, है तो नोडुल्स होते हैं नोडुलेटेड रूट्स होते हैं किसमें लेग्यूमिनस प्लांट्स में अब नेक्स्ट है स्वीट पोटैटो पूछ रहा है किसका मोडिफिकेशन है तो हमने पहले भी देखा है अभी क्वेश्चन आया था रूट रूट का मोडिफिकेशन है ठीक है

किस लिए होती है उसका फंक्शन क्या है ये पूछ रहे हैं तो स्पोर्ट प्रोवाइडिंग स्पोर्ट ये है इसका आंसर ओके कैरेट पूछ रहा है कैरेट क्या है ये भी रूट है ओके okay. अब पूछ रहा है बल्ब ऑफ गार्लिक्स और ऑनियन ये क्या है ये स्टैम है स्टैम की मोडिफिकेशन है और क्या है ग्रेटली रेड्यूस ये इसका सही आंसर है इन ओपनशिया फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय ये पूछ रहा है जो ओपनशिया का प्लांट है उसमें फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करता है तो इसका इसे मोडिफिकेशन ऑफ किसकी मोडिफिकेशन है लीव की है रूट की है फ्लोवर की है या फिर स्टेम की है फाइलोक्लेड है वो मोडिफिकेशन है स्टेम की ओके एक्लोडेड इज वन इंटरलोड इंटरनोड लॉन्ग रनर है फाइलोड है सकर है या फिर फाइलोक्लोड है ये One enter, long, है, है? ठीक उसी की शॉर्ट फॉर्म है इन ओनियन अंडरग्राउंड होता है वो क्या होता है ये okay. ये पूछ रहा है, ये stem की modification है, की तो कौन सा स्टेम है ये वर्टिकल और वो भी अंडरग्राउंड ठीक है अंडरग्राउंड वर्टिकल स्टेम ओके होल स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड

ए डाइकोटिलेडिनस प्लांट शोविंग पैरेलल विनेशन ठीक है विनेशन क्या होता है जो ये लेमिना है इसके अंदर ये अंदर की साइड वेन्स होती हैं इसमें वेन्स की अरेंजमेंट को विनेशन बोलते हैं अगर पैरेलली अरेन्ज है तो पैरेलल विनेशन बोल लेंगे और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में अगर वो है तो रेटिकुलेट विनेशन बोल लेंगे रेटिकुलेट जो है वो डाइकोट प्लांट में होती है और पैरेलल मोनोकोट प्लांट में होती है लेकिन इसमें ये पूछ रहा है एक डाइकोट प्लांट है जिसमें पैरेलल होती है वैसे तो पैरेलल जो है वो किसकी है Modification, किसका है 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 में होता है, लेकिन का example बताना है, जिसमें parallel होती है, इसमें है फूड को जो स्केल्स होते हैं उसके उसमें स्टोर करते हैं फाइलोड इज ए मोडिफिकेशन ऑफ ये किसकी मोडिफिकेशन है जो पीछे फाइलोक्लेड था वो तो स्टेम की मॉडिफिकेशन था फाइलोड है वो लीफ मॉडिफिकेशन है लीफ में जो ये पीटीओल होता है ना इसकी मॉडिफिकेशन तो इसमें आ जाएगा पीटीओल ओके विच वन इज नॉट ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कोम ऑफ कोलोकेशिया पिक्चर ऑफ नेपेंथस राइज़ोम ऑफ जिंजर ट्यूबर ऑफ पोटैटो तो इसमें ये है ये नहीं है स्टेम की मॉडिफिकेशन पिक्चर ऑफ नेपेंथस ओके नेक्स्ट है लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम ग्रो मैनी टाइनिक प्लांट्स कंप्लीट विद रूट्स इन मार्जिन दिस इज एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ओके एक छोटा सा पोर्शन कंप्लीट बना देता है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ए लीफ विदाउट पीटीओल इज अभी मैंने बताया ना ये पीटियोल है अगर किसी लीफ में ये नहीं होता ना तो उस लीफ को बोलते हैं ओके ए प्लांट विद पैरल इज पैर का एग्जाम्पल बताना है ग्रास ग्रास है है इसका आंसर क्योंकि मोनोकोट पैरलिनेशन जो है वो मोनोकोट में होती है देखो ऐसे जो पैरलि अरेंज होते हैं ऊपर से नीचे उसको बोलते हैं पैरल और ऐसे नेटवर्क फॉर्म में होते हैं जिग फॉर्म में उसको बोलते हैं रेटिकुलेट ठीक है नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम ब्रांच इज इसको बोलते हैं Arrangement of leaf को बोलते हैं ये है in glossira, glory lily, the tendril formed. कैसे बनता है किस कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप होता है टेंड्रिल बनाने के लिए तो इसमें है लीफ एपेक्स जो लीफ का ऊपर वाला पोर्शन है उससे क्या बनता है टेंड्रिल जो क्लाइंबिंग में हेल्प करता है इन्फ्लोरसेंस ऑफ वीट इज किस टाइप का होता है spike spikelet. देखो इस तरह से होता है 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 की जो छोटी है, smallest spike है, उसको बोलते हैं तो ये इसका आंसर है इस तरह से होता है spike जो इनफ्लोरसेंस होता क्या है फ्लोवर की अरेंजमेंट होता है प्लांट के ऊपर ठीक है इन बनाना अब बनाना में पूछ रहा है इसमें है स्पैडिक्स ये इस तरह का होता है स्पेडिक्स ठीक है ไซเทียม ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഇസ് ദ യുഫോർബിയാ മേ ഹോതാ ഹൈ ഇസ് തരേ കാ ഹോതാ ഹൈ കാഫി സാരേ മെയ്ൽ ഫ്ലവർ ഹോത്തേ ഹേ ഔർ 1 ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ ഹോതാ ഹൈ ഠീഖേ ഫാമിലി પૂഛ രഹാ ഹൈ സൈเทียม કૌંસી ફેમિલી મે હોતા હૈ તો યુફોർબિયાસી મે ഠീഖേ ഹൈપોન્થોડિયમ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് કિસમે હોતા હૈ યે પૂછ રહા હૈ તો યે ઇસ തരહ કા હોતા હૈ ഹൈપોન્થોડિયમ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് अगर हम सेक्शन कट કરકે દેખે તો तो ये होता है फाइकस में इनफ्लोरसेंस विद ब्रांच एक्सिस इज बोलते हैं पैनिकल देखो ब्रांच एक्सिस है ना इसको हम बोलते हैं पैनिकल ठीक है साइथियम इज ए अभी हमने देखा इनफ्लोरसेंस है इन साइथियम रेशियो बिटवीन फीमेल टू मेल अभी मैंने बताया था फीमेल वन होती है और मेल मैनी होते हैं तो ये वाला आंसर सही है कैटकिन इज ए टाइप ऑफ ये बीन फ्लोरेसेंस है इस टाइप का होता है देखो डायग्राम में थ्री टाइप्स ऑफ फ्लोवर अकर इन इन्फ्लोरेसेंस ऑफ जो हाइपंथोडियम है उसमें थ्री टाइप्स के फ्लोवर्स होते हैं मेल फीमेल और स्टेराइल साइथियम और हाइपंथोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर सिमिलर इन हैविंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ठीक है ये है इसका आंसर इन्फ्लोरेसेंस इन फैमिली कंपोसाइटी कंपोसाइटी में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होता है जो कैपिटुलम है वो इनफ्लोरेसेंस होता है कंपोसाइटी में ऐसा होता है कैपिचुला, ठीक है? एडिबल इनफ्लोरेसेंस इज़ ब्रेसिका ओल्रेसिया, ठीक है? ये जो है वो एडिबल इनफ्लोरेसेंस है, ओके? अम्बल इनफ्लोरेसेंस अक्कर इन किसमें होता है कोरिएंडम में, धनिया में होता है, इस तरह का होता है। सारे एक ही पॉइंट से निकलते हैं और ऊपर भी एक लेवल पे ही होते हैं ठीक है नंबर ऑफ फीमेल फ्लॉवर इन साइथियम फीमेल फ्लॉवर साइथियम में कितना होता है एक और मेल करते होते हैं बहुत सारे होते हैं इन्फ्लोरसेंस इज ए कलेक्शन ऑफ फ्लॉवर्स फ्लॉवर्स की जो कलेक्शन है अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं इन्फ्लोरसेंस ठीक है inflorescence, क्सुअल एंड सो ये आंसर लार्जेस्ट फ्लावर इज दैट ऑफ स्टार्टिंग में हमने देखा था स्मोलेस्ट फ्लॉवर वोल्फियर था अब इसमें से बताना है की लार्जेस्ट कौन सा है तो ये लार्जेस्ट है, ये largest है. ए फ्लोवर इज ए जैगोमोर्फिक वेन ये होता है अगर हम किसी फ्लोवर को वर्टिकली एक ही प्लेन में कट करें तो वो टू हाफ्स में डिवाइड हो जाता है तो इसका आंसर है डी ओनली वन वर्टिकल सेक्शन पासिंग थ्रू इट सेंटर डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ अब एक्टिनोम बताना है इसमें नेक्स्ट में इसमें अगर हम किसी भी प्लेन से कट करेंगे तो वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा ठीक है इन एनी प्लेन देखो ये वाला सही है Similar by vertical division in any plane. ये वाला सही है ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं स्टेमन अटैच टू पेटल इस कंडीशन को बोलते हैं एपी पेटल कंडीशन ठीक है तो ये बी है ये वाला सही है नेक्स्ट है when four stamens are long and two short arranged in two hole the condition is called इस कंडीशन को बोलते हैं टेट्राडैनमस कंडीशन इसमें जो दो शॉर्ट है वो आउटर साइड में होते हैं और जो ये फोर लॉन्ग है ये इनसाइड में होते हैं ठीक है नेक्स्ट है पार्ट ऑफ पिस्टल व्हिच रिसीव पोलन स्टिग्मा स्टाइल ओवरी थ्री पार्ट्स होते हैं तो जो स्टिग्मा है वो रिसीव करता है पोलन को ठीक है नेक्स्ट है एंथेसिस एंथेसिस बताना है क्या है ये है ओपनिंग ऑफ फ्लोवर बड़ ये वाला आंसर सही है ए वाला ठीक है नेक्स्ट है टेट्राडनस कंडीशन अगर इन इसका आंसर है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस ठीक है तो सी इसका सही आंसर है तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें थैंक यू